पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर सरवर चौधरी। आई एम पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप फिजिशियन। आई हैव डन माय ट्रेनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई हैव रिसेंटली रिटर्न्ड टू प्रैक्टिस इन लाहौर। माय क्लिनिक इज सिचुएटेड इन DHA Phase 5 कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन पॉलीक्लिनिक। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेथलेसनेस। हम बात करेंगे सांस चढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात की। इनको हम मेजर दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, एक फेफड़ों के अमराज जिनमें सांस फूलता है और दूसरे दिल के अमराज। फेफड़ों के अमराज की बात करें तो वो दो कैटेगरी इसमें भी कर सकते हैं, वो अमराज जो लगातार या दायमी रहते हैं जिनको ऐसे सांस फूलता है, कुछ अमराज जो के जिनमें शॉर्ट टर्म आपको सांस फूलता है। जो लंबे अरसे तक सांस फूलने वाले अमराज हैं उनमें से एस्मा या दमा एक बहुत कामन बीमारी है, उसके बाद COPD या फेफड़ों का दायमी मर्ज सिगरेट नोशी की वजह से, दैट्स अनदर वेरी कामन रीज़न। उसके बाद ऐसी बीमारियां जिसे फेफड़ों का सख्त हो जाना या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती हैं, दैट कैन बी एन इशू फॉर लॉन्ग टर्म ब्रेथलेसनेस। और कुछ फेफड़ों के अंदर पानी का भर जाना भी सांस फूलने की वजूहात हो सकती हैं। ऐसा सांस जो कि कुछ दिन के लिए सिर्फ फूलता है, आमतौर पर उसकी वजह जो होती है वो अक्यूट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस होता है। कई दफ़ा शॉर्ट टर्म फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें भी आपका सांस फूलना शुरू हो सकता है। अगर आपका सांस यकदम फूला है तो ब्लड क्लॉट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वो भी एक इशू हो सकता है। और अगर आपका सांस कुछ हफ्तों से फूल रहा है और उससे पहले बिल्कुल ठीक थे तो हमें उन केसेस के अंदर लंग कैंसर का भी शुबा होता है। और ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने काफ़ी स्मोकिंग भी की हो तो उनके अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको लंग कैंसर को भी एक्सक्लूड कर सकें। वापस आते हैं एस्मा जो कि सबसे कॉमन रीज़न है सांस फूलने की। तो इसके अंदर आपकी जो सांस की नालियाँ हैं वक्तन फोक्तन सुकड़ जाती हैं, उनके अंदर सोजश होती है और ज़्यादा म्यूकस या बलगम पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको वक्तन फोक्तन सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वीजिंग होती है जो कि विसल लाइक साउंड होती है, वो रात को आमतौर पर ज़्यादा हो जाती है। आप कोई भी काम करते हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या तेज़ वॉक करना, उससे आपको सांस फूलता है और आखिरी दफ़ा आपको लगता है कि आपके सीने के ऊपर प्रेशर है या हल्की फुल्की दर्द होने का एहसास होता है। ये वाली अलामत आमतौर पे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनके साथ ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आजकल का मौसम सर्दियों का है तो सर्दियों में ये अलामत काफ़ी बढ़ जाती हैं कोल्ड एयर की वजह से। बहुत ड्राई एयर हो, वेरी लो ह्यूमिडिटी हो तो उसमें भी आपका बढ़ जाता है। दूसरा जैसे आजकल पोल्यूशन या स्मोक का इशू है तो उसके अंदर भी ये अमराज बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर भी इन अलामात की जो है सेवेरिटी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के एनवायरनमेंट के अंदर अगर स्मोक पोलन का इशू हो तो उससे भी बढ़ जाती है। मोल्ड या फंगस का इशू हो तो वो भी इन अमराज को बढ़ा देता है। एस्मा के डायग्नोसिस के लिए हम आमतौर पर स्पायरोमेट्री या ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही मुअस्सर किस्म की ट्रीटमेंट है 98% ऑफ द टाइम इन दोस एस्मेटिक पेशेंट में, और उनके सिम्टम्स तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। अगर बात करें COPD की जो कि स्मोकिंग रिलेटेड दायमी मर्ज है फेफड़ों का, उसके अंदर लगातार सिगरेट नोशी से आपकी जो सांस की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और आपकी जो लंग स्ट्रक्चर और पैनखाइमा है वो ख़राब हो जाता है, जिसको हम एम्फसीमा बोलते हैं। इस वजह से इन मरीज़ों को लगातार ज़्यादा खांसी आना, बलगम आना और सांस फूलना ममूल की अलामत होती हैं। और इन पेशेंट्स के अंदर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि फ्लू है तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज भी हो सकती है। लास्ट में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की। ये वो बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आपके जो लंग्स हैं उनका पैनकाइमा होता है या स्पंज होती है वो सख्त हो जाती है और आपके फेफड़ों का साइज छोटा हो जाता है, जिस वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। इन पेशेंट्स में आमतौर पर खांसी बहुत कम होती है लेकिन सांस लेना ज़्यादा मसला होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं।
इनकी बहुत सारी आगे किस्में हैं जिनका सही तशखीस बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लंग डिज़ीज़ के अंदर हमें ब्रीदिंग टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं जिसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। स्पायरोमेट्री उसका एक पार्ट है जिसको हम आमतौर पर सादा ब्रीदिंग टेस्ट या सांस का टेस्ट कह सकते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने अफेक्टेड हैं और आपको जो ट्रीटमेंट है वो किस शिद्दत की रिक्वायर्ड है आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जो डिटेल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं ये बहुत कम जगह पे अवेलेबल हैं और हम अपने क्लिनिक के अंदर इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने लोगों को बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम कर सकेंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है सांस चढ़ने का। इसके अलावा बहुत सारे और भी अमराज हैं जिनके अंदर सांस फूल सकता है। अगर आपको कोई सांस की बीमारी या सांस फूलता है या क्रॉनिक खौफ का शिकार है या कोई और फेफड़ों के रिलेटेड आपकी अलामत हैं और आप कंसर्नड हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू ओलाडॉक, जिसमें हम आपको अपॉइंटमेंट दे के आपकी मुकम्मल असेसमेंट करके और हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप हमारी वेबसाइट से भी रिजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।